please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारत रत्न पूर्व पीएम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दुखद निधन से हम सभी आंतरिक रूप से व्यथित हैं. उनके रिक्तता की कल्पना भी असहाय है. वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपने परिश्रम और कर्तव्य से एक अमित श्रेष्ठ समर्पित जीवन के रूप में वो सदा स्मृति में रहेंगे. एक संवेदनशील कवि, भविष्य को जानने वाला रिश्ता, जनानाम प्रिय, ऐसा महान व्यक्तित्व का नाम अटल जी था. वो अपने नाम के समान जीवन भर अटल रहे. हजारों भारतीयों के हृदय सम्राट, राजनीतिक धुरंधर, व्यक्तित्व के धनी समर्पित स्वयंसेवक अटल बिहारी जी को हमारा अंतिम प्रणाम. आपकी स्मृतियां सदैव हमें प्रेरित करती रहेंगी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन सियासी सफर में उनको करीब से देखने वालों को झकझोर गया. न सिर्फ उनकी पार्टी बीजेपी बल्कि विपक्ष के नेता भी उनसे जुड़ी यादों को साझा करते हुए भावुक हो उठे. दिनेश शर्मा की आंखों से आंसू रोके नहीं रुके. दिनेश शर्मा को मेयर का चुनाव याद आया जब बीमार होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी उनका प्रचार करने पहुंचे थे. कुर्ता है मैंने पहन रखा और मैं पैजामा न पहनू तो लोगों का अटल जी अच्छा नहीं लगेगा. बोले कुर्ता यानी संसद सदस्य तो आपने मुझे बना दिया ऊपर का, पैजामा नगर निगम का मेयर मुझे ये चाहिए. अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों ने जादू किया और दिनेश शर्मा आसानी से चुनाव जीत गए. इसी तरह निराशा के क्षणों में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने गिरिराज सिंह की हौसला अफजाई की थी जब उनका चुनावी टिकट कट गया था. एक बार 80 के दशक में टिकट कट गया, उन्होंने बड़े सहजता से हंसा और चौबे जी की तरफ देखा, कहा कि टिकट और पद पड़ाव है, ध्येय नहीं है. इसी तरह बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी नहीं भूले कि किस तरह पोस्ट कार्ड पर उनकी शादी का न्योता पाकर अटल बिहारी वाजपेयी पटना पहुंचे थे. मेरी शादी हो रही थी तो मैंने एक पोस्ट कार्ड केवल उनको डाल दिया. तो उस जमाने में पूर्व सांसदों को न तो रेलवे का पास होता था न हवाई जहाज की सुविधा थी. अपने खर्च से वो पटना आए, शादी में सम्मिलित हुए. बीजेपी के तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की विनम्रता और उनके खुले व्यवहार को याद किया और प्रधानमंत्री के तौर पर लिए गए उनके फैसलों को ऐतिहासिक बताया. वहीं कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की हाजिर जवाबी को याद किया. साथ ही सभी से घुल मिल जाने की उनकी आदत के बारे में बताया. हम पहली बार पार्षद बने थे और हम विद्यार्थी नेता थे उस वक्त. उन्होंने कहा मेरी बिरादरी के कौन कौन लोग हैं तो हम समझे नहीं, कुंवारे कितने लोग हैं. तो फिर एकदम हम सब लोगों का नाम लिया, बोला अच्छा अच्छा ये हमारी बिरादरी के लोग हैं. यूपी के विधानसभा अध्यक्ष ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गुजारे दिनों को याद किया. एक सवाल किया छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कि आप बताइए अटल जी कि विवाह क्यों नहीं किया. तो उन्होंने कहा जब हमारी उम्र थी तब तो हम पार्टी के काम में लगे रहे और अब हमारा मन है विवाह करने का तो कोई पूछता नहीं. विपक्ष के नेताओं के साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती एक मिसाल रही. एक चीज उनकी अनोखी थी, जो अनुभव थी वो मस्त रहते थे हर दौर में, हर तरह की, सरकार में है तो नहीं है तो बहुत उनका सम्मान था. इसी तरह सीपीएम के सीताराम येचुरी ने बताया कि मुद्दों पर तीखी बहस के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेताओं को भी बढ़ावा देते थे. दिल्ली में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए देर रात तक नेताओं का तांता लगा रहा. श्रद्धांजलि देने वालों में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल रहे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश की बड़ी क्षति करार दिया. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मूल्यों और आदर्शों वाला नेता बताया. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए अपनी राजनीतिक प्रेरणा का स्रोत भी बताया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. दिल्ली में अटल निवास से विक्रांत यादव और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से अरुण सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं. सबसे पहले विक्रांत के पास चलते हैं. विक्रांत, हमने देखा कि रात भर से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, शोकाकुल लोगों की लाइन वहां पर लगी हुई है. पहले उनको रोक भी दिया गया और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ उनका जो नाम पढ़कर ही एक तरह से कह रहे हैं कि कम से कम हम यहां तक तो पहुंचे. तो लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ताकि वो उनके अंतिम दर्शन कर पाएं?
देखिए जसप्रीत, पुलिस ने बेहद ही पुख्ता और बढ़िया इंतजाम किया। अगर ये कहा जाए कि बाकायदा एक लाइन लगाई गई है, हालांकि मैं अपनी कैमरे की कुछ सीमाएं होती हैं उसके कारण नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पुलिस ने मीडिया के लिए भी एक बैरिकेडिंग की है ताकि मीडिया उससे बाहर ना जाए। लेकिन इस जो अटल बिहारी वाजपेयी का घर है, इसके पीछे की तरफ से सामान्य लोगों के लिए और ये जो सामने वाला रास्ता है ये वीआईपी लोगों के लिए, यहां से तमाम वीआईपी लोग, राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, जो उपराज्यपाल, राज्यपाल और तीनों सेना प्रमुख, वो इस गेट से आ रहे हैं। जितने भी वीआईपी हैं वो इस गेट से, जो मुख्य द्वार है वहां से आ रहे हैं। और उससे थोड़ा सा इस समय देखिए जनरल विपिन रावत यहां पर आए हैं, सेना प्रमुख, और वो अंदर जा रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख यहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उससे ठीक आगे आप देख रही हैं वो वाहन जो खड़ा हुआ है सेना का, सजा हुआ फूलों का, वो उसी में वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर यहां पर रख करके और उसे बीजेपी दफ्तर ले जाया जाएगा 9 बजे के करीब। और उसके बाद 9 बजे से वो दोपहर को 1-2 बजे तक वहां पर रखा जाएगा। और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा विजय राष्ट्रीय राजघाट के पास के लिए निकलेगी, राष्ट्रीय स्थल के लिए। इस समय तमाम वीआईपी इस तरफ से आ रहे हैं। और जो घर का पिछला हिस्सा है, ये पुलिस की बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, इसके ठीक साथ में सामान्य लोगों के लिए लाइन लगी हुई है, बाकायदा लाइन है जिसके जरिए सामान्य लोग वहां पर जा करके और दर्शन कर रहे हैं। सुबह जब हम यहां पर पहुंचे थे बहुत करीब 5:15 बजे, तो उस समय भी लोगों की लाइन लगी हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से लोगों में वाजपेयी जी को लेकर के, वाजपेयी जी को लेकर के श्रद्धा थी। और अपने जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो आज के दिन, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन आज के दिन वो सुबह सुबह यहाँ पर आकर लाइनों में लगे और दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अरुण सिंह के पास चलते हैं जो बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अरुण, वाजपेयी जी ने पार्टी को जमीन दी, एक मुकाम तक पहुंचाया और आज यही पार्टी देश के अधिकांश हिस्से में राज कर रही है। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में क्या माहौल है? देखिए जसप्रीत, अटल जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो उनकी माँ है और उसका बेटा आज आखिरी बार माँ की गोद में आएगा। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर अटल जी के पार्थिव शरीर को एक बड़े से हॉल में रखा जाएगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप तस्वीर देख रही हैं कैमरे के जरिए और दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बुझे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और इस तरह की तमाम लाइनें लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, सत सत नमन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने सबसे कद्दावर नेता को आखिरी विदाई देगी, अंतिम दर्शन करने उसके सारे कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे। कहा जाता था कि अटल जी को सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी उन तक पहुंच सकता था और यही बीजेपी की स्ट्रेंथ रही है और इसीलिए बीजेपी शायद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। तो अटल जी ने जो पौधा लगाया था वो एक वटवृक्ष बना है आज, और अब पौधा लगाने वाला यानी पार्टी को खड़ा करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। जाहिर सी बात है कि अटल जी के शरीर में प्राण भले न हो, लेकिन उनके एहसास लोगों के जेहन में जिंदा है और इसीलिए तमाम लोग लाइन लगा करके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे खड़े हैं। हालांकि पुलिस अभी उनको अंदर नहीं आने दे रही है क्योंकि 9 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर यहां पर आएगा। लेकिन जो अंदर हमने देखा है, अंदर एक बड़े से हॉल में उनकी एक आदमकद जो है तस्वीर लगाई गई है, फूलों से सजाया गया है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक तरफ से आम लोग आए, पार्टी के कार्यकर्ता आए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, आखिरी विदाई दें और उसके बाद जो उनका काफिला है, अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर का काफिला जो है वो एक जुलूस की शक्ल में यहां से राष्ट्रीय स्मृति स्थल तक जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद जो है पद से बड़ा था और यही वजह है कि आज हर कोई गमगीन है। वहां पर कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि अब तैयारियां कर ली जाएंगी, उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा, कोई बड़ा नेता इस वक्त वहां पर मौजूद है? देखिए जसप्रीत, तमाम बड़े नेता, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर के कई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, कई राज्यों के उपराज्यपाल, राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे, तमाम वीआईपी पहुंच रहे हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, जावेद अख्तर, शबाना आजमी अभी कुछ देर पहले आए, तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे। और वाजपेयी जी का जो कद है वो अपनी पार्टी तक सीमित नहीं था, पूरे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी दूसरी पार्टियों में उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में भर्ती हुए तो तब वो देखने आए थे उन्हें, उसके बाद जब कल उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई तब भी वो वहां पर पहुंचे। तो वाजपेयी जी का कद ऐसा था कि वो राजनीतिक विचारधाराओं से बड़ा कद था। और सही मायने में अगर कहा जाए कि वाजपेयी जी सिर्फ राजनेता नहीं थे बल्कि जन नेता थे, क्योंकि इस तरीके से सुबह सुबह आम लोगों का अपनी भारी भीड़ में अपने घर परिवार को छोड़ करके नाश्ता किए बिना यहां पर आना, अंतिम दर्शन करना, निश्चित तौर पर जब कोई अपना जाता है तभी लोग इस तरीके से द्रवित होते हैं।
यहाँ पर मैं कैमरे की कुछ सीमाओं होने के कारण वो भीड़ नहीं दिखा सकता, लेकिन इस घर के ठीक साथ पीछे की तरफ जो रोड है वहाँ पर जो सामान्य लोगों के लिए लाइन लगी हुई है उसमें सुबह से लाइन लगी हुई है और उसमें लोग खड़े हुए हैं, गमगीन है, चेहरा उतरा हुआ है। तो ये दिखाता है कि ना सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि आम जनमानस में वाजपेयी जी की जो बैठ थी, जो उनको चाहने वाले थे, लंबे समय से वाजपेयी जी की कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई, उनकी कोई भाषण, उनका कोई ताज़ा वक्तव्य लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके इतने साल गुजर जाने के बावजूद वाजपेयी जी की जो भाषण, उनकी जो शैली थी, वो लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी अमीट छाप छोड़े हुए कि वो शायद अब उनके शरीर छोड़ जाने के बाद भी अलग नहीं होगी। अगर हम इस घर की बात करें तो यहाँ से ठीक 9 बजे के करीब, 9:15 बजे के करीब यहाँ से इस सेना के इस वाहन में उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और पहले बीजेपी दफ्तर जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, तीनों सेना के प्रमुख पहले से यहाँ पर मौजूद थे, तो लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है और 9 बजे के करीब पार्टी दफ्तर पार्थिव शरीर जाएगा, जहाँ पर लोग जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बिल्कुल विक्रांत, तो वो जन नेता थे, उनका कद पद से ऊंचा था, यही वजह है कि आज हर कोई शोकाकुल है, गम में डूबा हुआ है और उनकी आखिरी झलक पाने के लिए बेताब है। यही वजह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अपडेट के लिए आपके पास लगातार हम आते रहेंगे। बीती शाम कृष्ण मेनन मार्ग में अटल निवास पर कई नेता पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और काफी देर तक वो अटल निवास में ही रहे। 15 अगस्त की शाम अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत नाजुक होने की खबर मिलने के बाद पीएम मोदी एम्स पहुंचे थे और बीती रोज भी एम्स जाकर उन्होंने डॉक्टरों से अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जाना था। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल रहे। उन्होंने भी कृष्ण मेनन मार्ग पर अटल आवास में पूर्व पीएम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके मुरीद थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम दर्शन के लिए गीतकार जावेद अख्तर पत्नी शबाना आजमी के साथ उनके सरकारी आवास पहुंचे। मैं समझता हूं अटल जी जहां एक कवि थे, पॉलिटिशियन थे, उससे बड़े वो स्टेट्समैन थे, इंसान थे, और यही उनका गुण था कि वो हर तरह के इंसान से, जिसका विचारधारा कुछ भी हो, उससे उसी मोहब्बत से मिलते थे और दिखावे में नहीं बल्कि दिल से मिलते थे और प्यार करते थे। डेमोक्रेसी जो हमारे देश का एक इतना बड़ा सरमाया है, इतनी बड़ी दौलत है हमारी, उसकी जो चंद बेहतरीन मिसालें हैं कि उन्होंने किन उस डेमोक्रेसी ने कौन से इंसान हमें दिए, उनमें से एक अटल जी। विपक्ष के नेताओं ने भी कृष्ण मेनन मार्ग में अटल आवास पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विपक्ष की ओर से गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और अशोक गहलोत ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो यहाँ पर विपक्ष के नेता पहुंचे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जन नेता थे, यही वजह है कि वो सबको साथ लेकर चले और सबके चहेते बने। आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हर कोई उन्हें याद कर रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संयुक्त राष्ट्र में अपने हिंदी में दिए गए भाषण को सबसे खुशी वाला पल बताया था। यह ऐतिहासिक भाषण उन्होंने 1977 में बतौर विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र में दिया था। तब यह पहली बार था कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की गूंज सुनाई दी थी। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा।
अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंग भेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंग भेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें PLO को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद।